Good morning, students. I am Sunita Manula, 4th class teacher, nursery. Today we are going to learn subject Hindi. Okay, बच्चों, मैं आपको अ, आ, ई, ई तो बता चुकी हूँ. आप उसको अच्छे से handwriting में लिखना. अब मैं आपको थोड़ा सा oral picture के माध्यम से बता रही हूँ. Okay? ये है आपका अ. क्या है ये? अ. ओके अ से अनार. क्या है ये? अ से अनार. ओके अब ये है आपका आ. इसमें दो डंडी रहती है. इसमें वन है तो ये अनार अ है और इसमें दो है तो ये आम है. ये है आ. आ से आम. ये आपका आम बना और ये रेड कलर का अनार है तो ये येलो कलर का आम. अब आपने बनानी ई. क्या है ये? ई. ई से इमली. ये है आपकी ई से इमली. अब आएगी आपकी ई. इसमें मात्रा लगानी है. ये है आपका ई से इक. क्या है? ई से इक. ई से इक. क्या है ये? ई से इक. देखे ये है आपका ऊ. क्या है? ऊ. ऊ से उल्लू. इसकी आईज क्लोज यानी बंद रहती है और ये उल्लू के ऊपर बैठा हुआ है. ये आपका उल्लू है. क्या है? उल्लू. ऊ से उल्लू. और ये है आपका ऊ से ऊन. क्या है ये? ऊ से ऊन. क्या है? ऊ से ऊन. और इसकी डिटेल बनी. ओके ये है ऊन. पकड़ो. अ से अनार. आ से आम. ई से इमली. ई से ईख. ऊ से उल्लू. ऊ से ऊन. ओके इसको आप ऐसे लर्न करेंगे. अब मैं आपको फ्लैश कार्ड के माध्यम से बता रही हूँ. अब देख लीजिए आप. ओके ये है आपका अ से अनार. ये अ है और ये बना आपका रेड कलर का अनार. अ से अनार. और ये है आपका देख लीजिए आ. आ से आम. क्या है? आ से आम. येलो कलर का आम. ओके ई से इमली. ये वाली इमली. ये देखो ई से इमली. क्या है ये? ई से इमली. इमली भी ग्रीन कलर की. ओके ये आपको दिख रहा होगा ये. और ये है आपका ई से इक. ये ई है. इसमें मात्रा लगी हुई है. ई से इक. क्या है? ई से इक. और ये है आपका ऊ से उल्लू. ये ब्राउन कलर का है. ऊ से उल्लू. क्या है? ऊ से उल्लू. और ये है आपका ऊ से ऊन. क्या है? ऊ से ऊन. क्या है ये? ऊ से ऊन. ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है. ओके अब इसको आप लर्न करना और बार बार इस चैनल को देखना और चैनल के माध्यम से आप